कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद एक 32 साल की डॉक्टर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैक्सिकन अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि बताया जा रहा है कि महिला को फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लगने के बाद सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महिला में इंसेफ्लेमाइटिस की बात सामने आई है, जिसमें दिमाग और स्पाइन कॉर्ड में सूजन देखने को मिली है। मिनिस्ट्री ने बताया है कि डॉक्टर को एलर्जिक रिएक्शन की पहले से परेशानी है। उन्होंने कहा कि अभी इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि वैक्सीन के लगने की वजह से महिला डॉक्टर के स्वास्थ्य में परेशानी हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगने के बाद ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला है। वहीं मामले को लेकर अभी फाइजर बायोएनटेक की तरफ से किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं आई है। आपको बता दें कि मैक्सिको में अब तक 1,26,500 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में 24 दिसंबर से कोरोना की वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया गया है। हेल्थ वर्कर को सबसे पहले वैक्सीन दी जा रही है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।